डीआईजी दीपक कुमार ने क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार व पुलिस बल के साथ इलाके में पैदल भ्रमण किया और पुलिस की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसी दौरान डीआईजी दीपक कुमार ने कोतवाली नगर में तैनात पुलिसकर्मी व पीएसी के जवानों के असलाह को भी परीक्षण किया। अलीगढ़ को अति संवेदनशील शहर कहा जाता है। वहीं बीते कुछ समय से देश व प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी व अन्य विभिन्न बातें सामने आ रही है। इसी के साथ अलीगढ़ पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। वहीं बीते दिनों भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी समुदाय विशेष में आक्रोश व्याप्त है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज डीआईजी दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण किया और तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में संवेदनशील इलाकों में परमानेंट ड्यूटी करने वाले पिकेट की सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत आज पैदल भ्रमण किया गया था, जिसमें पिकेट में तैनात कर्मचारियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। साथ ही पुलिस कर्मचारियों द्वारा आमजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भावना को जागृत किया गया है। डीआईजी दीपक कुमार ने कहा कि हालांकि अलीगढ़ शहर को लेकर गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल पेश की जाती है, इसीलिए शहर में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज पैदल भ्रमण किया गया है। किस तरीके का फ्लैग मार्च निकाला गया है सर? शासन के निर्देश के अनुसार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और डीजीपी महोदय के निर्देश हैं, उसमें जितने भी हमारी पिकेट हैं संवेदनशील इलाके में जो परमानेंट पिकेट हैं, उन सब जगह हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करना, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में यह महसूस हो कि कानून का राज है, जो भी गलत करने का प्रयास करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से अलीगढ़ के इस पुराने शहर में पिकेटों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां हमारे पीएसी के जो हमारे साथी हैं जो ड्यूटी देते हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है और उनके जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे एंटी राइट इक्विपमेंट्स हैं उन सब की कैसी स्थिति है और सब उनकी तैयारी दुरुस्त है या नहीं है उसको देखा जा रहा है और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। अलीगढ़ एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है और किसी प्रकार की यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया है, तो अन्य जगह पर जो लोग भड़काऊ कोई बात कह रहे हैं उनके प्रभाव में यहाँ के लोग नहीं आए। यहाँ के लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बिना किसी के लोगों के प्रभाव में आए हुए यहाँ के लोग गंगा जमुनी तहजीब की अपनी परंपरा के हिसाब से भाईचारा बनाए रखेंगे और पुलिस को एक तरह से हम लोग पूरी तरह से चाक चौबंद और अलर्ट कर रहे हैं कि कोई भी आदमी यदि अफवाह को फैलाने का प्रयास करता है तो उसको हम लोग पूरी तरह से उस पर सख्ती करेंगे।